चलती फिरती जन्नत थी मेरी माँ, चलती फिरती जन्नत थी मेरी माँ, खिले उपवन में चंदन थी मेरी माँ, चलती फिरती जन्नत थी मेरी माँ, खिले उपवन में चंदन थी मेरी माँ। तू क्या गई छाया भी ले गई, तू क्या गई छाया भी ले गई, अपने प्यार की काया भी ले गई, तू क्या गई छाया भी ले गई, अपने प्यार की काया भी ले गई, मोह ममता की वंदन थी मेरी माँ, खिले उपवन में चंदन थी मेरी माँ, चलती फिरती जन्नत थी मेरी माँ। रख आहों पे कदम चली जा रही है, रख आहों पे कदम चली जा रही है, मेरे गम में वो ढली जा रही है, ये वास्तविकता है। रख आहों पे कदम चली जा रही है, मेरे गम में वो ढली जा रही है, ऐसे सुखों की मन्नत थी मेरी माँ, खिले उपवन में चंदन थी मेरी माँ, चलती फिरती जन्नत थी मेरी माँ। उसकी महक गुलों की महक थी, उसकी महक गुलों की महक थी, दोस्तों क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं आशीष का मोल होता नहीं, होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण। हमारे महाराज जी गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया और जैसे ही हम मंच पर आए, गुरु जी यहाँ पर इस्कॉन के प्रांगण में आए, तो ऐसा लगा बिल्कुल पावर आ गया। जी बहुत सुंदर बोला था अभी अभी, गुफ्तगू मेरे दिल की कंत दिल में गुप्त हो गई, क्या उठी कंत कलम नजराने गुफ्तगू हो गई। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतनी महान हस्तियों के बीच में जी आर कंत, उनकी अनमोल वचन गुफ्तगू के जरिए आप जन जन तक पहुंचेंगे, उसका विमोचन होने जा रहा है। जिंदगी का लिखा नहीं मिलता, जो कहाँ है वहाँ नहीं मिलता, ये किताबी हो किताबें ही होती है। जब कोई महाराज जी की ब्रज भूमि हो तब तक जाने चाहिए, नारक नाम चढ़ती कला जो मातृ वतन की सेवा सीमा नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे, तुम्हारी बात पर यकीन करूं मैं कैसे, कह कर गए थे कि लौट कर आऊंगा मगर कह कर नहीं लौटे। हम उनको सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे मातृ वतन की सेवा की है। ये किताब गुफ्तगु उन्हीं को समर्पित। सर गुप्त जी, अभी तो किताब पढ़ा नहीं हूँ मैंने, लेकिन अपना मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसको, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और गुरुजी के साथ मुलाकात पहली बार मेरी हुई है और बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस उनका आशीर्वाद अपना हम लोग के साथ रहेगा तो फतेह। आज के दौर में रफ़ी जी के गाने को इंडेक्स कर रहा है, तो ये देखकर आपको दिल दुखता है या खुशी होती है? यार ये क्वेश्चन तो आपने बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि एक बात प्लस पॉइंट भी है कि मतलब रफ़ी साहब के गाने गाए जा रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि मतलब दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये बात अलग हो जाती है कि वो जो रीमिक्स करते हैं पूरे म्यूज़िक को अपना एकदम ही अलग हिसाब से करते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा कभी कभी महसूस होता है कि इट शुडंट हैपन, लेकिन जब माहौल ऐसा है और पब्लिक ऐसी है तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए गुफ्तगु जो आज बुक रिलीज़ हुआ है, मुझे मेरा नाम मुझे उस बुक का नाम से ही पहले मोहब्बत हो गई, और कंत गुरु जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था लेकिन मिलने का मौका मिला नहीं था, आज इस वजह से मैं आज मेरे को मौका मिल गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंत जी ने जो ये गुफ्तगू लिखा है, और अभी मालूम पड़ा कि ये किताब उन्होंने जो अपने देश के लिए जो सैनिक काम करते हैं उनके लिए उन्होंने अर्पण किया है, बहुत ही बढ़िया काम है।
और मुझे लगता है और मैं बोलना चाहता हूँ कि कंत जी जिस तरीके से आपने इतने साल काम कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, बस इस तरीके से आप काम करते रहें और हमें और प्रेरणा दे अच्छा काम करने के लिए, और अच्छा आशीर्वाद आप हमें हमेशा देते रहिए। और मुंबई के लिए, मेरे मुंबई के लिए जितने लोग जो काम करते हैं उसको आप इसी तरीके से प्रेरणा दे के उनको भी आशीर्वाद दीजिए, इतना कह सकता हूँ। ऐसी किताबें कितनी सार्थक होती है देश के लिए? हाँ, कितनी सार्थक होती है? किताबें हमेशा सार्थक होती है और इस तरीके से किताबें तो हमेशा सार्थक होती है, लेकिन आजकल ये जो नए लड़के बच्चे, जो नया जनरेशन आ गया है, ये जनरेशन किताब पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है, क्योंकि आजकल किताबें जो है वो ई बुक के हिसाब से आ रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कंत जी, गुरु जी को, कि जो भी किताबें आप निकल रहे हैं, निकालने वाले हैं, अगले सब किताबें आप ई बुक के हिसाब से निकालिए, ताकि वो ई बुक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी किताबें जा सकेंगी और बच्चे लोग पढ़ सकेंगे, यही कह सकता हूँ। शांताराम जी की जो कृतियाँ, जो फिल्में हैं और आज के दौर की जो फिल्में देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उस टाइम के जो फिल्में बनाने के लिए जो मेकर्स थे, जैसे शांताराम जी थे, राज कपूर साहब थे, गुरुदत्त साहब थे, महबूब साहब थे, बहुत से उस टाइम के लोग थे, वो मुझे लगता है कि वो फिल्म मेकर्स थे। अभी भी फिल्म मेकर्स हमारे बॉलीवुड के अंदर, अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी है, जिस तरीके से कई पिक्चरें अच्छी आ रही है, अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कहीं स्तर गिर गया है? गिर गया है मैं बोल नहीं सकता हूँ, दिस इज़ द जनरेशन गैप। जिस तरीके से उस टाइम का जो जनरेशन था, जो शांताराम जी के लिए या राज कपूर साहब के लिए या गदादत्त साहब के लिए जो पिक्चर देखना चाहते थे, वो ऑडियंस अभी फ़िलहाल कम हो गया है। और आजकल जो यंग जनरेशन है, जो यंग ब्लड को, यंग हीरो और यंग हीरोइन को देखना चाहते हैं, वो अलग है। और मुझे लगता है कि ये तो हमेशा चलते रहेगा, इंडस्ट्री इतने 100 साल से चलती आ रही है, अगले 100 साल भी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है।